मोड में कर लेंगे। एक्चुअल में ये जो मोड है ना, इसमें मेरे को हाफ व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मुझे थोड़ा हाफ व्यू दिखाई दे रहा है। मोबाइल को थोड़ा सा रोटेशन वाला मोड, हाँ वेरी गुड सर, इट्स वेरी क्लियर, है ना। तो चलिए साथियों, वंस अगेन देख सकते हैं, हमारे कम्युनिटी में इतने सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं, डेफिनेटली आप भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने सेहत को जबरदस्त कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम है साथियों हैप्पी टू हेल्प, जहां हम आपके जीवन शैली को सही करेंगे, आपके खान पान को सही करेंगे, जिससे आप वजन को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और भविष्य में जो आपको खान पान को लेकर के बीमारियां आने वाली है, निश्चित रूप से आप उसे निजात पा सकते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये चित्र नहीं, आज नेक्स्ट स्लाइड सर, जो चित्र दिखाई देने वाला है, ये चित्र नहीं आपकी जीवन शैली को दर्शाता है कि इंसान पहले टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, 1990 के दौर में तो टीवी बड़ा हुआ करता था, लेकिन इंसान बहुत मेहनती था, फिट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आज के दौर में देखिए, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, इतना ज्यादा लाइफ स्टाइल सुविधाजनक हो गया है, हर चीज रिमोट कंट्रोल पे आधारित हो गया है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा इंसानों को। यही कारण है कि बैठे बैठे जॉब और कम से कम काम करने के कारण इंसान मोटा होते जा रहा है और टेक्नोलॉजी एकदम फिट होते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो हमें 7 बिंदुओं पे फोकस करने की जरूरत है, 7 पैरामीटर, है ना। पहला है आइडियल बॉडी वेट, यानी आपको ऊंचाई के आधार पे आपका वजन सही है कि नहीं, है ना, आपको चेक करके जरूर सोचना चाहिए। दूसरा, जो हम खा रहे हैं वो ठीक से पच रहा है कि नहीं, यानी गैस, एसिडिटी, कब्जियत की समस्या नहीं है। तीसरा, आपके जोड़ों का हेल्थ सही है कि नहीं, है ना। एक उम्र दराज लोगों पर क्या होता है, जरूरी घुटने जवाब देने लगते हैं, एड़ियों में दर्द होता है, न जाने कितने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है हार्ट हेल्थ, ये सबसे कॉमन बीमारी है, बीपी की समस्या है ना। कभी आपने देखा होगा कि आजकल बहुत कम एज में ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जा रहा है, किसी का लो प्रेशर से जूझ रहे हैं, तो ये समस्या निश्चित रूप से आजकल आम हो गई है। पांचवा है बच्चों का स्वास्थ्य, है ना। घर में बच्चों का केयर करने वाला कौन होता है, माँ बाप होते हैं, और हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी केयर करते हैं, क्योंकि बच्चे भी आजकल बच्चों का हेल्थ का ख्याल रखना चाहे उसके इवन उनका पढ़ाई के लिए हेल्थ जरूरी है, केवल पढ़ाई के लिए जरूरी नहीं है, अपितु भविष्य में उनको क्या बनना है ये भी उनका हेल्थ ही तय करता है, ठीक है। स्किन हेल्थ, गोरे हो काले कोई मायने नहीं रखता, आपके चेहरे में चमक है कि नहीं ये मायने रखता है। एनर्जी और फिटनेस, आखिरी का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप दिन भर जब किसी भी काम को संपूर्ण करके आते हैं, तो निश्चित रूप से आपका एनर्जी और फिटनेस लेवल कैसा रहता है, ठीक है। देखिए, हम स्लाइड बाई स्लाइड जानेंगे, जो कि अमूमन गलती करते हैं कि लोग जो खाना खाते हैं उसे पौष्टिकता समझ लेते हैं, है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है, खाना और पौष्टिकता में दोनों में बहुत अंतर है। खाना वह पदार्थ है जो हम खाते हैं, जब भी हमको भूख लगता है तब हम खाते हैं, चाहे भूख लगे चाहे न लगे, हम पेट में जो कुछ भी डालते हैं उसे खाना कहते हैं। लेकिन पौष्टिकता वह है जिसके शरीर को प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। एक गाजर का हलवा, और गाजर गाजर का गाजर को कच्चा खाते हैं तो उसमें विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर रहता है, लेकिन जैसे हम उसे हलवे में कन्वर्जन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी पौष्टिकता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और आज की जीवन शैली की बात करें, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको बैठे बैठे जॉब मिले, है ना। लेकिन हर जगह क्या है, प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, अलग अलग प्रकार के, न जाने कितने प्रकार का प्रदूषण है, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव। और एक चीज बहुत कॉमन हो गया है, पहले डिब्बे बंद खाने बहुत कम आते थे, है ना, लेकिन अभी देखिए किराने की दुकान में जाएंगे तो 90% आइटम आपके डिब्बे बंद रखे हैं, और उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए उसमें ऐसा केमिकल का इस्तेमाल करके आता है, ऐसा रासायनिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए सही नहीं रहता, और यही कारण है कि कई महीने तक खराब नहीं होता, ठीक है। आज का जीवन शैली देखिए, हर कोई ऐसा टेंशन वाला काम कर रहा है, तनावग्रस्त है, लोग एल्कोहल, कॉफी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक है, ठीक है, सिगरेट, धूम्रपान का सेवन आजकल फैशन हो गया है ना। और भारत में देखे होंगे आए दिन 365 दिन, मुझे लगता है 200 दिन तो कोई ना कोई तीज त्यौहार रहता ही है, और हर एक तीज त्यौहार में एक चीज है कॉमन, वह है मिठाई, और मिठाई की गुणवत्ता सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। और इसी नाम से लोग कहीं ना कहीं मोटापे के शिकार हो रहे हैं। और खाने की गुणवत्ता की मैं बात करूं, देखिए साल में पहले एक बार या दो बार फसल ली जाती थी, लेकिन अभी की डेट में देखिए, आजकल देखेंगे ज्यादा से ज्यादा धान उत्पादन हो रहा है, क्योंकि उसको बोनस मिलने वाला है, या फिर ऐसा चीजें हो रही है कि ज्यादा डिमांड आ रहा है कुल मिलाकर के धान का, और यही कारण है किसान 2 बार 3 बार फसल ले रहे हैं। फलों को ज्यादा कीमत में बेचने के लिए समय से पहले तोड़ा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप खुद मार्केट में निकलते हैं तो समझ में आता होगा कि टाइम बाई टाइम आपको कोई भी सीजन का फल मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये छेड़खानी करके ये सारी चीजों को इस प्रकार से तैयार किया था, ताकि आपके लिए लोक लुभाव रहे और आपको
आसानी से ये मार्केट में मिल जाए। ठीक है, आप देखे होंगे कभी सुपरमार्केट शॉपिंग मॉल में जाते होंगे, सब्जी को इस प्रकार से तरोताजा बना कर रखा जाता है कि हाल ही में तोड़ के आया, लेकिन वो कई महीने पुरानी रहती है। ठीक है, हम जल्दबाजी के चक्कर में देखना, हम जो खाना है रोटी है उसे हम लोग हाई फ्लेम में पकाते हैं, उच्च ताप में पकाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उच्च ताप में खाना पकता है तो उसकी भी पौष्टिकता धीरे धीरे कम होती है। मांस पे इंजेक्शन लगाया जाता है, आप लोग परिचित होंगे है ना, क्योंकि चूजे को अगर ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि 1 महीने में 2 से 1.5 किलो 2 किलो हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है, है ना। और उसी चीज को लोग बहुत चाव से खा रहे हैं, दूध की क्वालिटी सभी लोग परिचित है, कितना मिलावटी दूध आ रहा है मार्केट में। और उसके बाद जंक फूड, इसकी तो बात ही कुछ और है ना। जंक फूड खाने में तो बहुत स्पाइसी लगता है, लेकिन सेहत के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ हमारा जंक फूड और ये डिब्बा बंद फल ये जो खाना है वो करता है। ठीक है, आगे स्लाइड में जानेंगे हम लोग कि स्टडी क्या कहती है। 1953 में एक कटोरी पालक में जो आयरन की मात्रा निकाली गई थी, उसी को अगर अभी डॉक्टर लोग साइंटिस्ट लोग अगर 2023 में निकालते हैं, तो उसके लिए हमको 23 कटोरी से ज्यादा पालक खानी पड़ेंगी। आप समझ सकते हैं पालक अभी भी मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी पौष्टिकता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में और जानेंगे कि हमारी खाने की थाली की जो हम खाते हैं उसकी वास्तविकता क्या है, हमारे खाने में क्या ज्यादा रहा है आजकल। नमकीन चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मीठा चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एल्कोहल वाली चीज ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तला भुना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि जरूरत किसकी है, हमारे शरीर में प्रोटीन जाना चाहिए, विटामिन जाना चाहिए, मिनरल जाना चाहिए, फाइबर जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे खाने में अच्छे से होनी चाहिए, हम उल्टा करते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए वो चीजें ज्यादा लेते हैं। यही कारण है कि मनुष्यों को बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, पैराडिगम सिस्टम है ना। पैराडिगम मतलब आजकल क्या बदलाव आया है, पहले किसान हार्ड वर्क करता था, हल चलाता था, अब उसे जितना चाहे खाना तो पचाने की क्षमता रहती है उनमें, लेकिन अभी एक स्मार्ट वर्क करने वाला व्यक्ति क्या उसी नॉर्मल फूड को पचा पाएगा, आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों की वर्किंग कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता अलग है, दोनों का दिनचर्या अलग है। ठीक है, अब देखिए 3 जगहों में मेनली दिक्कत आया है, ग्रोइंग यानी उत्पादन की तकनीक, दूसरा स्टोरिंग मतलब उसे रख रखाव, तीसरा उसे पकाने की तकनीक। ये 3 जगहों पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आए हैं कि लोगों को जाने अनजाने में 5 बीमारियां आजकल हर घर है। आप देख लीजिए अपने आसपास को, देख लीजिए किसको बीपी नहीं है, किसको शुगर नहीं है, किसको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, किसको स्ट्रोक वगैरह प्रॉब्लम नहीं है। इवन आजकल कैंसर की बीमारी जब हजारों लाखों लोगों में होती थी, अभी देखना सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इन सब का एक ही कारण है, गलत खान पान। और सर्वे कहता है कि ओबिसिटी, जब किसी भी व्यक्ति को मोटापा है तो भविष्य में उसको शुगर होने की, डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओबिसिटी कैन लीड टू डायबिटीज। वर्ल्ड में डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल कपड़ों की लगातार डिमांड बढ़ रही है। आप देखेंगे मोटे व्यक्ति को इतना आसानी से कपड़े नहीं मिल पा रहे, इतना साइज हो गया इंसानों का, केवल सिलाना पड़ रहा है, ऐसा कंडीशन आ गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड सर, एक चीज और, बच्चे अपने सेहत का ख्याल कहाँ रख पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। पुरुषों या महिलाओं, हमारे घर के सदस्यों पे जवाबदारी होती है, जब वो बार बार बीमार पड़ते हैं ना, तो हमें समझना चाहिए वो कुपोषित है। और आप लोगों ने देखा होगा कुपोषण के लिए बहुत सारे लक्षण है, उसको पढ़ने में मन न करना, बार बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार से वजन ऊंचाई ना होना, आंखें धुंधलापन होना, आजकल चश्मा लगने की बहुत शिकायतें हैं। तो कुल मिलाकर के कुपोषण की जैसी समस्या से ही बच्चे आजकल भी ग्रसित हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में उनके लिए अलग से सप्लीमेंट रेडी टू ईट बनाया जाता है, मध्याह्न भोजन स्कूलों के माध्यम से उनको अलग से सप्लीमेंट परोसा जाता है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्या मोटापा से गर्भावस्था प्रभावित होते, प्रेगनेंसी प्रभावित होता है, तो इसका आंसर है हाँ। एक तो बेबी कंसीव करने में दिक्कत होता है, बाद में कंसीव होने के बाद गर्भावस्था के आखिरी चरणों में उसे सीजर के माध्यम से डिलीवरी कराना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी आजकल बहुत ही रेयर हो गए हैं, है ना। और इस सब के पीछे एक ही कारण है, मनुष्यों का गलत खान पान और अपने शरीर को सही नहीं रख पाना। ठीक है, मोटापा से बहुत सारे नुकसान है साथियों, जिसमें से हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, लकवे की समस्या, पित्ताशय संबंधी बीमारी, सांस लेने की समस्या, मानसिक समस्या, बदन दर्द एवं अन्य फिजिकल चैलेंजेस। ठीक है, कम वजन होना भी घातक है अपने आप में। अगर हमारा वजन कम है तो जाहिर सी बात है लोग कुपोषित होंगे, विटामिन की कमी होगी, खून की कमी होगी, थकावटें होंगी, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा, एनर्जी की कमी सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्वास्थ्य संगठन है, स्वयं कहता है कि 70% लोग जो है खान पान संबंधित बीमारियों को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, और 70% जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, डायबिटीज है, गलत खान पान की वजह से होती है। और हमारे हाथों में क्या है दोस्तों, हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि हम बीमार ना पड़े, वो है हमारा पौष्टिक खाना और अच्छा जीवन शैली।
इसे अगर अपना लिए ना तो 50% डॉक्टर विजिट, 50% डॉक्टर विजिट आपका घट सकता है। तो वक्त बदला, चीजें बदली, अब वक्त है खुद को बदलने का। दिस इज टाइम फॉर चेंज, है ना। और अंग्रेजी में एक शानदार कहावत है दोस्तों, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमको किसी भी बीमारियों का आने से अच्छा है उससे पहले एहतियात बरत ले और उसके लिए सुधारात्मक उपाय कर ले ताकि हमें वो बीमारी लगे ही ना। ठीक है, तो आप लोग को लग रहा हो कि केवल मैं मोटा मात्रा हूँ या कम वजन मात्रा हूँ, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बीमारियों को लेकर के आपको संकेत दे रहे होंगे। अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, है ना, अपने शरीर को ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से आपको महंगा पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है और विगत 3 वर्षों से मैं इस कम्युनिटी में हूँ और वेलनेस कोच का काम कर रहा हूँ। जब नहीं आया था सिस्टम में, वजन घटाने के लिए मैंने हजारों प्रयास किया था। जीरा पानी, नींबू पानी, शहद पानी, जिम जाना, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, ये सारी चीजें पैतरे अपना करके मैं थक चुका था, क्योंकि मुश्किल से थोड़ा बहुत ठीक लगता था, लेकिन जो तकलीफें थी, घुटने दर्द दे रहे थे, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था मुझे, है ना, उठने के बाद एड़ियों में जबरदस्त दर्द होता था, पैर को बराबर नहीं रख पाता था, इन सारे तकलीफों से मैंने निजात पाया और कैसे एक अच्छा जीवन शैली को अपना करके। ठीक है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, मैं उनको निश्चित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मेरे साथ 10-15 मिनट और बने रहिए, है ना, ताकि मैं उन लोगों को आपके बीच रूबरू करा सकूँ जिन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिए। तो चलिए, मैं प्रथम पंक्ति में बुलाना चाहता हूँ मिसेस यूरेका बर्मन मैम, कृपया आएंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे मैम। थैंक यू सो मच सर, मुझे रिजल्ट शेयर का मौका देने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं यूरेका बर्मन मुंगेली गजियाना गांव से बिलोंग करती हूँ। पेशे से एक हाउस आपकी वाइफ वॉइस हूँ। क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, क्या आप लोग को, सॉरी, हाँ फिर से बोलेंगे मैम। जी सर, मेरा नाम यूरेका बर्मन है, मैं मुंगेली गजियाना गांव से बिलोंग करती हूँ। पेशे से एक हाउस वाइफ हूँ। इस कमिटी में ज्वाइन होने से पहले मैं काफी ओवर वेट हो गई थी। ओवर वेट के चलते मेरे को बहुत सारा हेल्थ है इशू आना हेल्थ खान इशू हो गया था। जैसे कि मेरे में ब्लड लेवल कम थी, स्नोफिलिया थी, साथ ही साथ मेरे को अस्थमा जैसी बीमारी हो गई थी, है ना। एक काम, मैं भी हैप्पी टू हेल्प का सेशन देखी और मेंबरशिप ली। मेंबरशिप ली तो मुझे कोच सर मिले। कोच सर के प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 20% वर्कआउट, 80% न्यूट्रिशन, 100% माइंड सेट के साथ मैंने अपना शानदार 20 kg वेट लॉस की हूँ। तो जैसे ही मेरा वेट लॉस हुआ है साथियों, तो मेरा जो भी हेल्थ है इशू था, ब्लड लेवल कम थी, स्नोफिला, साथ ही साथ मैंने अस्थमा जैसी बीमारी से निजात पाई हूँ। आज मैं हैप्पी एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। इसके लिए मेरे कोच सर, मेंटर से, आर कोच एसीआर सिस्टम को दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टम। ओके, थैंक यू मैम। मैम ने एक चीज कहा, सिस्टम को फॉलो करते हुए 20 किलो वजन घटाइए, है ना। जरा कल्पना कीजिए साथियों, 20 किलो कितना होता है। दिन भर अगर आप एक्स्ट्रा वजन को लेकर के चले तो निश्चित रूप से 20 किलो बहुत होता है। आप 5 किलो वजन को महीने भर उठा करके देखिए कितना तकलीफ दे होगा। तो निश्चित रूप से अतिरिक्त वजन बीमारियों का कारण बनता है। मैडम को बहुत सारी तकलीफें थी और वजन कम करने के बाद उनकी तकलीफें कम हुई हैं, तो बधाई के पात्र है मैम, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है आपका। चलिए, एक शानदार रिजल्ट की ओर चलते हैं, मिस्टर संदीप सिंह सर के पास चलते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है, वेलकम सर। थैंक यू सर, मुझे रिजल्ट शेयर करने के लिए, थैंक यू सर, मुझे रिजल्ट शेयर करने के लिए। मैं भी सिस्टम में आने से पहले काफी ओवरवेट हो चुका था मेरा, और इस सिस्टम में आकर मैंने एक शाम हैप्पी टू हेल्प का सेशन देखा था। हैप्पी टू हेल्प का सेशन देखने के बाद मैंने मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेते ही मुझे कोच सर मिले। कोच सर के प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने शानदार 10 kg वेट लॉस किया, जिसके लिए इस सिस्टम और अपने आल कोच मेंटर सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टम। वाह, अमेजिंग सर, 10 kg वेट लॉस, बधाई हो आप, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। चलिए सर, बहुत फिट हो गए, पहले की अपेक्षा आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। चलिए, एक और शानदार रिजल्ट में सी और चलते हैं, मिसेस राश्री केवर्त मैम, प्लीज अपना अनुभव साझा करेंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे रिजल्ट शेयर का मौका दिया।
जब मैं सिस्टम में नहीं आई थी तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही थी, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से मुझे लो एनर्जी, बैक पेन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, साथ में मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। मैंने अपने परिचित को देखा था कि उन्होंने स्वस्थ तरीके से अपना वजन घटाया था, और जितने भी उनको हेल्थ प्रॉब्लम थे उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट पाया था। तो उन्हीं से मैंने ये जानकारी मांगी कि आपने ये कैसे किया। तब उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, और फिर इस सिस्टम में मैंने आके जाना कि ये जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे गलत खान पान और मेरे गलत दिनचर्या के वजह से है। फिर मैंने इसमें मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेते ही कम्युनिटी के द्वारा मुझे कोच सर मिले, उन्होंने जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे खान पान को बदला, मेरे जीवनचर्या को बदला, और उन्हीं को प्रॉपर से फॉलो करते हुए मैंने अभी तक अपना 16 kg वेट लूज किया है। सर, वेट लूज होते ही जितने सारे भी मुझे हेल्थ इशूज हो रहे थे उसमें मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट पाया है। तो इसलिए मैं अपने सारे कोचेज को और इस कम्युनिटी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू बताइए सिस्टम। मैम, 16 किलो वजन घटाया है ना? आप लोग सही सुने आप लोगों ने, है ना? और तकलीफों को निजात पाई है बोनस है, ठीक है? हर कोई चाहता है कि वजन घटे, लेकिन कभी भी तकलीफ में पड़ के वजन ना घटे, ये हर लोग चाहते हैं ना? तो बेस्ट एग्जाम्पल है, मैडम ने बहुत जबरदस्त चीज कहा कि तकलीफें कम हुई है ना, तो वजन घटता ही है, साथ ही साथ बोनस के रूप में आपकी तकलीफें भी कम हो रही है। चलिए, बहुत शानदार है मैम आपका। चलिए, एक डिफरेंट रिजल्ट चलते हैं, माया साहू मैम की ओर चलते हैं, उनका एक अलग रिजल्ट है। वेलकम माया मैम। थैंक यू सर, मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम माया साहू है और मैं तखतपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं भी सिस्टम में आने से पहले बहुत से हेल्थ चैलेंजेस थे मुझे, जैसे कि ब्लड की कमी थी और उसके चलते मुझे उठने बैठने पूरे बॉडी में दर्द होता था, हड्डियाँ और मसल्स बहुत कमजोर हो गई थी। फिर मैंने भी एक दिन शाम में हैप्पी टू हेल्प का सेशन देखा और इसमें मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेते ही मुझे पर्सनल कोच सर मिले और कोच सर के प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करती गई, जिससे इन सभी से मुझे रिजल्ट आना शुरू हुआ। मैंने 1 kg वेट अपना बढ़ाया भी और इन सभी परेशानियों से निजात भी पाई। इसलिए इस कम्युनिटी और सर को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सर। थैंक यू सर। चलिए, बधाई मैम, वजन बढ़ाई है मैडम ने, तकलीफें भी थोड़ा कम हुआ है, चलिए बधाई के पात्र हैं। एक और रिजल्ट हमारे बीच है, चलिए कौन बज गया जी? गीतू गिलहरे मैम। गीतू मैम अपना अनुभव साझा करेंगे, आपको क्या लाभ हुआ है? वेलकम मैम। थैंक यू सर। क्या लाभ हुआ मैम, बताएंगे कैसा लग रहा है? जी सर, धन्यवाद सर। मुन्ना मेरा वही ये सिस्टम में आने से मुझे बहुत अच्छा लगी सर, और मैं 3 kg 1 kg वजन बढ़ाए हैं। वाह, कितना किलो वजन बढ़ाया मैम? 3 kg वाह, बधाई के पात्र। देखिए मैडम ने 3 किलो वजन बढ़ाया है ना, तो वजन घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है ना, अमेजिंग तरीके से सिस्टम में आ करके, ठीक है? तो आप निश्चित रूप से, चलिए बढ़िया मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है गीतू मैम, ठीक है? तो आप भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, साथ में सभी लोगों ने कॉमन चीज कही, मेंबरशिप है ना। मेंबरशिप क्या चीजें हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जैसे बच्चों को हम कॉलेज स्कूल में जनरली एडमिशन कराते हैं तो एक शुल्क देना पड़ता है, उस शुल्क के बदले आपको ढेर सारी सुविधा मिलता है कॉलेज में, लेकिन मनी बैग नहीं रहता। हमारे कम्युनिटी में मनी बैक है, ये सबसे खास बनाता है। अगर आप अपने रिजल्ट संतुष्ट नहीं है तो 7 दिन के भीतर अपना पैसा वापस ले सकते हैं, है ना? और उसके साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 30 दिन को घर बैठे बिठाए एक्सरसाइज क्लास, जैसे आप आज ज्वाइन हो वैसे ही फन, मैजिक और सिंपल, नाश्ते खेलते कूदते हुए आपका वजन घटेगा, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट किट, जिसके कारण आपका वजन घटेगा, वो हमारे तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा है वेलनेस कोच, जो आपको ये 30 दिनों तक आपको सुबह शाम गाइड करेगा। वेट लॉस मैराथन और मिशन एडेलेट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप जितने भी जिद्दी पेट लेकर के आए और आपको वजन कम नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा हमारे पास अस्त्र है जिससे आप बहुत तेजी से अपना वजन घटा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? और लाइफ स्टाइल डिसन, आप निश्चित रूप से हमारे फिट फैमिली के साथ आकर के 1 दिन बिलासपुर में 5 स्टार होटल में आप निश्चित रूप से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अभी का सेशन, और किसी को कोई किसी प्रकार का संदेह हो तो निश्चित रूप से आप मुझसे बात कर सकते हैं, ओके? चलिए, कोई नया है क्या? हैंड राइज करेंगे प्लीज। यस नेहा जोगी मैम, बताएंगे कौन है आपके साथ? करण भारती सर, करण भारती सर।
किरण भारती सर, गुड इवनिंग सर, किरण भारती मैम है सर। अच्छा यस, किरण भारती मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, है ना, और हमसे थोड़े से बातें करें, क्या चाहते हैं कम्युनिटी के माध्यम से, कैसे मदद कर सकते हैं आपकी। सर, करण भारती सर, करण भारती सर, किरण है सर, किरण है। Recording in progress.